Shalimar Ice Cream Parlor and Bakers. Eggless cakes are available here near 2 Town Police Station, Mehboob Nagar. Darwaza, the Sagwan Point. Ready-made Sagwan main door, windows and door frames. Beside Himalaya Restaurant, Srinivas Colony, Mehboob Nagar. अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मेट्रो न्यूज़ अपडेट्स में आपका इस्तकबाल है। आइए बढ़ते हैं आज की ताज़ा खबर पर। साबिक सदर जमहूरिया हिंद बाबा मिसाइल व भारत रत्न डॉक्टर अब्दुल कलाम के 91वीं यौम पैदाइश के मौके पर आज कुल जमाती मुस्लिम राबता कमेटी की जानिब से मोहम्मद मोहसिन खान कन्वीनियर की क़यादत में कुल जमाती कायदीन जिसमें अब्दुल हादी एडवोकेट सदर जिला मजलिस, मोहम्मद अब्दुल रहमान सदर नशीन ज़राए मार्केट कमेटी, मकसूद बिन अहमद जाकिर एडवोकेट सदर यूथ मजलिस, सैयद सादतुल्लाह हुसैनी बल्दी फ्लो लीडर मजलिस, मोहम्मद शब्बीर अहमद बल्दी फ्लो लीडर TRS, मोहम्मद तकी हुसैन कोऑर्डिनेटर TUWJA मुतहदा जिला महबूब नगर, शेख अब्दुल्ला YSR CP मिर्ज़ा खुदूस पेक सदर मुस्लिम लीग, नासिर बिन अहमद बाबर शेख सदर महवी एकेडमी, कौंसलान बल्दिया राशिद खान अरशद अली, खालिद नवी जमात इस्लामी हिंद यूसुफ बिन नासिर, हाफिज मोहम्मद इरफान के अलावा दिगर ने मुजस्मे अब्दुल कलाम वाक़ न्यू टाउन पर गुलाए अकीदत पेश किए और डॉक्टर अब्दुल कलाम की मुल्क व कौम के लिए खिदमात को याद किए। देखें ये रिपोर्ट, योर रिपोर्ट मेट्रो न्यूज़ अपडेट्स। आज हमारे मुल्क भारत के मिजलमैन कहलाने वाले साबिक सदर जमहूरिया अब्दुल कलाम साहब का यौम पैदाइश के मौके पर हमने आज उनके मुजस्से पर गुलाए अकीदत पेश करते हुए खराज तहसीन पेश किया है। हमें फ़ख्र है कि मादर हिंद के ऐसे सपूत थे जिन्होंने पूरी दुनिया में अपना नाम कमाया और BJP जैसी फाजी ताकत हुकूमत ने भी उनको अपनी जानिब से उनको मुल्क सदर जमहूरिया मुंतखब किया। बड़े अफसोस की बात है कि मुल्क में नाम और सदर जमहूरिया जिसको मिजलमैन कहा जाता है, उन मिजलमैन की हमें पैदाइश को सरकार ने बिल्कुल तरह से नज़रअंदाज कर दिया है। हुकूमत का एक काम था कि वो आज की इस तकरीब को सरकारी तौर पर मनाते, लेकिन अफसोस की बात है सरकारी तौर को मनाने से गुरेज कर रहे हैं। लेकिन हम मुसलमान अपने मुल्क के बहादुर सिपाहियों की बिला तहजीब मजहब व फरीक तफरीक उनकी कदर करते हैं। आज मिजलमैन के मुजस्मे खराज पेश किए हैं। हम कौम से भी इस बात की अपील करते हैं कि वो अपनी तालीमी काबिलियत इल्मी काबिलियत के तरीके ऐसा मकाम बनाएँ कि फाजी ताकतें भी आपको मुल्क का बड़ा ओहदा दे सकें। अब्दुल कलाम पूरी दुनिया के लिए मिसाल हैं, जहाँ भी जाते तलबा से मुखातिब होते और उनको अच्छी ज़िंदगी गुजारने की बात करते। आज उनका पैगाम को आम करने की ज़रूरत है। वजह अब्दुल कलाम के आज जो फाजी ताकत हैं अपने सावरकर की किताबों को पढ़ाने का काम कर रहे हैं, तो तारीख मदद कर रहे हैं। आज सावरकर की नहीं बल्कि अब्दुल कलाम की तालीमत की ज़रूरत है जो BJP ही के दौर में मुल्क के सदर जमहूरिया बने थे। मैं आवाम और खसूस से मुझे नौजवानों से अपील करता हूँ कि तालीम को हासिल करें और मुल्क में बेहतर मकाम खुद तलाश करें और अपने मुस्तकबिल को ताबनाक करें। जय भारत, जय हिंदुस्तान। साबिका सदर जमहूरिया का यूम पैदाइश के मौके पर आज यहाँ तमाम पार्टियों के ज़िम्मेदार, तमाम पार्टियों के मुस्लिम कायदीन जमा हुए थे और आपके मुजस्मे को गुलाया और पेश किए। सारी दुनिया में उसकी वजह APJ अब्दुल कलाम है। आपने हिंदुस्तान की एटमी ताकत को कई मिसाइल बनाकर उसको बढ़ाया है, एटमी ताकत को बढ़ाया है। और ये जो हार्ट अटैक के पेशेंट है उनको स्टेंट जो डाला जाता है आज उसकी इजाद भी आप ही की देन है। आपने कई कारनामे किए जिससे उनका नाम और हमारे हिंदुस्तान का नाम सारी दुनिया में रोशन हुआ। आप तालीम को फ़ौरे देते थे और बच्चों को बहुत चाहते थे। आप जब सदर के बाद राजभवन को यानी उनके बंगले को जो खाली किए तो सारे लोग देखकर दांतों में उंगली रख लिए कि इतनी मशहूर शख्सियत, चंद किताबें, उनका साजो सामान चंद किताबें और कुछ कपड़े थे। आज सियासी लीडरों को शर्म आना चाहिए जो करोड़ों का जैसे इस काम करते हैं वैसे लोगों को ये APJ अब्दुल कलाम को देखकर अपनी ज़िंदगी का। कुल जमात के लीडर, TRS के कायदीन, दूसरे भी कायदीन, MIM के कायदीन सब आए, बड़ी खुशी की बात है। ये अब्दुल कलाम ही हैं जो सब मिलकर आए हैं उनके लिए। मैं आज के यूथ को एक कहना चाहता हूँ, आप लोग अब्दुल कलाम आज़ाद इनके
लाइफस्टाइल को स्टडी कीजिए। बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी थे। एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जो एजुकेशन के तरफ से बहुत सारी चीज़ हासिल कीजिए। एक चीज़ इनमें एक बहुत ख़ास बात थी कि बहुत ही सिंपल आदमी थे, इनमें कोई तकबुर नहीं था। इतने बड़े पोस्ट रहने के बाद भी, इतने बड़े साइंटिस्ट रहने के बाद भी लाइफस्टाइल बहुत सिंपल और बहुत ही महदूद रखते थे। वो बहुत खुशी की बात है, अल्लाह ताला ने इन्हें नवाजा। आज हम लोग यहाँ पर जमा हुए, एक मुतालिया कीजिए और उनसे कुछ बात मिलती है, वो एजुकेशन हासिल कीजिए और अपने लाइफ में जितने भी मुकाम, जितनी भी ऊंची मुकाम पहुँचिए, तकबुर मत रखिए, सिंपल रखिए अपने लाइफ को। इंशाल्लाह अल्लाह ताला सक्सेस मिले। हिंदुस्तान के सबक सदर जमहूरिया अबुल कलाम साहब की उम्र पैदाइश पर हम सब यहाँ जमा हुए हैं। यकीनन एक चीज़ ये महसूस कर सकते हैं आप, इल्म के ज़रिए ही कोई अच्छे से अच्छा ओहदा इस मुल्क में हासिल कर सकते हैं। बावजूद बीजेपी की हुकूमत के अबुल कलाम साहब की सलाहियतों को वो किसी कीमत पे मुस्तरद नहीं कर सकते थे, इसीलिए उन्हें सदर जमहूरिया बनाया। मिसाइल मैन है, आपकी ज़िंदगी हम नौजवानों के लिए एक मशाल राह है। आप देखें, आपके दौरान तालीम आपने देखा, आप स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठ के पढ़ा करते थे, आपके गरीब घराने से थे, लेकिन अखबार भी डाला करते थे और अच्छे तरीके से आप तरक्की करते हुए न सिर्फ मुल्क बल्कि मुसलमानों के भी नाम रोशन किया। मुसलमानों का नाम सदर जमहूरिया के उसमें सरफहरिस्त आपका लिखा गया है और आप जब रिटायर हो गए वहाँ से चले गए, अपना ओहदा ख़त्म होने वहाँ देखे, उनके पास सात जोड़े कपड़े से बढ़ के कुछ लेके नहीं गए होंगे। यह पहला सदर जमहूरिया मैं समझ सकता हूँ जो तकरीबन लोग आते हैं अपना काम करके जाते हैं लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। हमेशा तलबा से यही मुखातिब कर रहे हैं कि इल्म के ज़रिए ही हर चीज़ हासिल की जा सकती है, ये एक मिसाल है, ये मैसेज है। कुल जमात मुस्लिम खायरीन राबता कमेटी की जानिब से बाबा मिसाइल APJ अब्दुल कलाम का 91 बर्थडे सेलिब्रेट किया जा रहा है। इस मौके पर ये पयाम देने की कोशिश की गई है कि ज़िंदगी में हायर रुकावटें, मसलन गरीबी व तंगदस्ती कोई माने नहीं रखती। इंसान के अगर अज़ायम बुलंद है और खुदी को अगर पहचानता है तो वो अपने आप को बुलंद करते हुए अपने मुल्क का भी नाम रोशन कर सकता है, बुलंद कर सकता है, अपने आप को ताकतवर बनाते हुए मुल्क को भी ताकतवर बनाता है। ये दर्श दिया है APJ अब्दुल कलाम ने। बड़ी मुश्किल से हज़ारों बरस नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती रही, बड़ी मुश्किल से चमन में पैदा होता है, दीदावर पैदा होता है। ये इसके मिज़दाक थे APJ अब्दुल कलाम। हम उनको आज सालगिरह मौके पर ये और जो है ना जो गुलहाय अकीदत पेश किया है, अब मैं अब यानी मुझे जो मौका देगा उसका शुक्रिया अदा करूँ। मशहूर साइंटिस्ट APJ अब्दुल कलाम को आज उनकी 90वीं हम खराज तहसीन पेश करते हैं। APJ अब्दुल कलाम आज़ाद, हाँ APJ अब्दुल कलाम साहब ने जो कारनामे अंजाम दिए हैं, जो हिंदुस्तान को जो न्यूक्लियर पावर का पावर का दर्जा दिलाया और इससे पूरी दुनिया में उनका नाम रोशन हुआ। और एक चीज़ जैसे न्यूक्लियर पावर की वजह से कि हिंदुस्तान की तरफ कोई आंख उठा के नहीं देख सकता, तो ये उनका कारनामा है, ये सारा हिंदुस्तान उसका उनके कारनामे का मशहूर है कि उन्होंने इस कदर बेहतरीन कारनामा अंजाम दिया। अभी जनाब मोहसिन साहब कह रहे थे कि उन्होंने आते से टाइम पे सदर जमहूरिया जो उनका बंगला रहता उसमें आते से टाइम पे दो चार जोड़े कपड़े ले गए, जाते से टाइम पे भी दो चार जोड़े कपड़े ले गए। सिर्फ आते से टाइम उन्होंने एक सूटकेस ले गए थे, उन्होंने वही दो चार जोड़े कपड़ों का, फिर जाते से टाइम भी एक सूटकेस ले कर चले गए। उसके अलावा उनके पास कुछ नहीं था। मुल्क की खिदमत करना, कौम की खिदमत करना, ये ऐसे लोगों से हम सबको सीखना चाहिए। ये कहते हुए मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। शुक्रिया, खुदा हाफिज। नाजरीन, आप हमारे तमाम प्रोग्रामों का मुशाहिदा YouTube, Facebook और Instagram पर भी कर सकते हैं। अगर आप हमारा प्रोग्राम YouTube पर देख रहे हैं तो मेट्रो न्यूज अपडेट्स को सब्सक्राइब करना ना भूले और हमारे वेबसाइट www.metronewsupdates.com पर भी मुशाहिदा कर सकते हैं। और देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा चैनल मेट्रो न्यूज अपडेट्स।